चलो इतना तो जो पता चल चुका है मुझे, प्रियर में जाना है, उसके बाद वहाँ पर जाना है। की कार्ड किधर है भाई? की कार्ड नहीं मिला मुझे, लेकिन उसके पास कितने हैं? मोटे के पास, उसके पास दो हैं उसके पास। ऑल राइट, तो उसकी बॉडी के अंदर है रेंज। अबे लो, छोड़ उसको, छोड़ छोड़ छोड़, मर जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजी ऑन गेमिंग में। तो हर बार की तरह आज भी जो है यहाँ पर हम खेलने वाले हैं रेजिडेंट एविल 4। और रेजिडेंट एविल 4 के लास्ट वाले एपिसोड में आप सभी को तो पता ही होगा, जो जैक होता है यानी कि जैक क्रॉसर, वो जो है यहाँ पे अपनी एशले को उठा कर ले जाता है कंधे पे लिटा के। और उसके बाद जो है हम जाते हैं एक आइसोलेटेड चैम्बर में, यानी कि एक टाइप की फैक्ट्री में एशले को ढूंढने के लिए। तो वहाँ जो एशले है वो तो हमें मिल जाती है, बट उसके लिए चाहिए होता है हम एक सिक्योरिटी गार्ड। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे हम ढूंढने के लिए चले जाते हैं काफी अलग अलग जगहों पर। और थर्ड लेवल सिक्योरिटी लगाने के बाद उस कार्ड के अंदर हम जो है एशले को यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो है अभी हमें जहाँ पे जाना है एक न्यू वाली जगह पर, तो आज से जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ अपने क्रिएटर के पास हमेशा की तरह। और यहाँ पर अगर मैप में देखा जाए तो अभी जो है मुझे जाना है इस वाली जगह पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पर, मतलब सब्जेक्ट नहीं सब ऑब्जेक्टिव पर। और उसके बाद ना वहाँ पे मुझे समिट के पास जाना है, मतलब कि मुझे जो है यहाँ से होते हुए यहाँ से कोई रास्ता वगैरह बनेगा और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर पहुँच जाना है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मेरे पास लाइक गन वगैरह तो सारी है ना, मतलब एक बंदा था जिसकी, मतलब एक मॉन्स्टर टाइप का था जिसके अंदर मतलब 4-5 दिल थे, और सारे के सारे दिल को मतलब डैमेज करने के बाद ही वो जो मॉन्स्टर है वो मरता था। उसी के अंदर मेरी सारी की सारी जो एमो है वो वेस्ट हो गई। पहले मेरे पास काफ़ी सारी एमो थी, बट यहाँ पर मुझे इतना सन्नाटा लग रहा है कि सुबह सुबह 5 बजे उठते हैं ना, 4 बजे, तो ऐसा सन्नाटा लग रहा है, मतलब उसी टाइप का सन्नाटा लग रहा है मुझे अभी यहाँ पे। खैर, इस एशले को जो है मैं कैच कर लेता हूँ। और अभी जो पैरासाइट है ना लियोन के अंदर और जो एशले के अंदर, ये ना थोड़ी देर के लिए लाइक सप्रेस्ड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है लियोन ने एशले को जो है मेडिसिन वगैरह लगा दी थी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं लियोन के हाथ पर जो पैरासाइट है वो अभी भी दिखाई दे रहा है, मतलब अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। मैं काम करता हूँ, पिस्टल जो है निकाल लेता हूँ और थोड़ा सा अभी जो है गेम पर ध्यान दे लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने वाला है। लियोन, यहाँ पे से क्या मिल गया? That the lift. All right. If we could do something about this wall. मतलब कि लिफ्ट उस साइड है, यानी कि मुझे जो है इस वॉल का कुछ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं अगर मैं स्क्रीन के अंदर बैठ सकता हूँ तो मज़ा आ जाएगा। मैं जो है उसके बड़े वाले गोले से ना काम कर लूँगा। All right, बैठ सकता हूँ स्क्रीन के अंदर, बढ़िया। A wrecking ball. एक सेकेंड, ये चलाने वाली है क्या? I got this. भाई ये ठोक पुक ना दे, मुझे सच में अनएक्सपेक्टेड था ये। सच में इसे चलाना आती भी है? ठोक नहीं दे। चलो मैं खड़ा तो हो गया हूँ। Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? सच में इसे चलाना आती है? Get back. चलो ये अभी शायद से इसको तोड़ने वाली है। और ये आई बॉल और ये पड़ा, सायरन बज गया। एक सेकेंड, और यहाँ पे और सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ऑल राइट, और अभी जो है मुझे इनको बताना पड़ेगा। सबसे पहले इसको बताता हूँ मैं। अरे ये नहीं पकड़ना भाई, पिस्टल निकाल ले शांति से। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने ना लेज़र परचेस कर ली थी अपने ट्रेडर से। ये ले, एक के साथ दो दो निशाने, ये ले। अबे मारा क्यों नहीं तू? ये ले, ये पकड़, तू भी आ जा। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने वो भी लगा लिया ना, तब भी जो एम है थोड़ा सा डगमगा रहा है। एक सेकेंड, स्पाइडर मर जा तेरी स्पाइडर की, तू रुक जा, मुझे शॉक लगाएगा, ले। एक सेकेंड, गया गया। एक सेकेंड, इसकी तो ये ले तेरी, तो निकल बाहर निकल। एक सेकेंड, इसने डायनामाइट फेंक दिया, फूट जा फूट जा, बढ़िया। एक तीर से दो निशाने, इसको बहुत ज़्यादा जल्दी है ना ये पकड़, तुझे भी बहुत ज़्यादा जल्दी है ना। आजा 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 आजा। एक सेकेंड, इसके अंदर से भी मकड़ी आ गई। एक सेकेंड, ये क्या कर रही है?
इसमें तो जिंदा कर दिया, ये तो काफी सारे आ रहे हैं इनकी तो। निकल उधर से तू, ये ले। अरे 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 ये शिट 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 शिट, हट जा हट जा हट जा हट जा, तुम्हारी ऐसी कम तैसी। अरे शिट शिट इनकी तो, तू हट रहा है कि नहीं हट रहा भैंस की तरह, निकल यहाँ से। ए ये अलग को मारा जा रहा है, उस पिस्टल की हमें ख़त्म हो गई तुम्हारी तो। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा, तू निकलो यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये ऐसे नहीं जाएगा, निकल निकल। मर गया, और भी बंदे हैं, इसको काय से मारूँ मैं, तू आ जा। इसको रिलोड मारता हूँ सबसे पहले अपनी गन को, यहाँ पे एमओ वगैरह उठा लेता हूँ मैं, कुछ मिल गई मुझे कुछ एमओ। आ जा मैं इधर हूँ, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। उधर किधर जा रहा है? अबे तू उधर किधर जा रहा है, उधर किधर जा रहा है अबे? ये ले, मज़ा आ गया, मतलब ऐसे टाइम पे मज़ा आता है। चलो दीवार फूटी या नहीं फूटी अभी तक? चलो होल जो है बड़ा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हो रहा है। खैर यहाँ पे और कोई है क्या? एक सेकंड, शिट 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 शिट, बच गया मैं, मुझे इसके रास्ते से हट जाना चाहिए। और आ गए क्या? ऑल राइट और आ गए, आ जाओ सबके सब, आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी ऐसी कम तैसी, टकलू इधर देख, तू इधर देख, इधर देख। एक सेकंड, ये तीर कौन मार रहा है भाई, ये लेजर कौन मार रहा है मुझे? एक सेकंड, ये कौन है? ऑल राइट, ये स्नाइपर लेके क्या कर रहा है मेरे पास? ये रॉकेट लॉन्चर चला रहा है ये तो, तेरी तो। निकल नीचे, मर गया क्या? अभी नहीं मरा, निकल। अबे इसने बहुत तेज मारा और ये मकड़ियाँ आ गई यहाँ पे। भागो इधर से, भागो 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 भागो। अबे इतनी सारी मकड़ियाँ, शिट 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 शिट, तेरी तो। निकल पहली फुर्सत में, तेरी तो, निकल निकल। अबे शिट 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 शिट, अरे नहीं 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 भाई, इतनी सारी नहीं, इतनी सारी नहीं, निकल निकल निकल। अबे अबे यार, ये मकड़ियाँ क्या है भाई, एक दूसरे के ऊपर चिपकती जा रही है। शॉटगन की एमो खत्म, एक बची है बस, आ जा। तुम्हारी एमो नहीं मिल रही है, तू क्या कर रहा है इधर खड़ा खड़ा? ऑल राइट, तो फाइनली यहाँ पर जो छेद है वो तो हो चुका है, अभी बढ़िया है। अभी इन बच्चों कुछों को मार देता हूँ मैं, ये गया। एक सेकेंड, मकड़ियाँ क्यों निकल रही हैं भाई इनके मुंह से? और है क्या? एक और होगा ये रहा। ओ हेलो, एक सेकेंड, इसके चक्कर में यहाँ पे जो लियोन है इसकी पूरी बॉडी जो है रेड रेड हो गई। मज़ा आ गया लेकिन सच में, अगर आपको मज़ा आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर दो। इसे बुला लेता हूँ मैं, नीचे आ जा चल। मैंने अभी तक ये वाली गन को यूज़ नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहता क्योंकि बहुत पावरफुल गन है, मैग्नम वाली। फटाफट सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट मार लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी मुझे। मतलब ग्रिड वगैरह भी थे यहाँ पे, मैंने इनका यूज़ नहीं किया। इनके अंदर ही बॉक्सेस हैं भाई, शॉटगन शेल्स मिल चुके हैं इसमें से काफ़ी सारे। फटाफट से लोड मारता हूँ मैं गन, और हैं इसके ऊपर है क्या कुछ? यहाँ पर भी नहीं है मेरे ख्याल, मैंने सारी की सारी जो चीज़ें वो कलेक्ट कर ली एक बार। ये और बचा है यहाँ पे, ये भी हो गया, और कुछ बचा है क्या? यहाँ पे फ्लैश ग्रेनेड और बचे हुए हैं दो तीन,
जो कि यहाँ पर है, यही पर है क्या? नहीं 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 इसके उस साइड है, ये रहा। चलो हो गए, अभी यहाँ से निकलने की बारी आ गई है। बट उससे पहले ज़रा मैं हेल्थ वगैरह मार लूँ, क्योंकि हेल्थ वगैरह जो है मेरी बहुत ज़्यादा कम पड़ी हुई है। ये खा लेता हूँ मछलियाँ, इससे जो हेल्थ वगैरह है बढ़ जाएगी और मेरी जो इन्वेंट्री है भी थोड़ी बहुत खाली हो जाएगी। और तो मछलियाँ वगैरह है नहीं, और मेरी जो वो तो है पूरी तरीके से जो है फुल हो चुकी है। शॉटगन एमो बना लेता हूँ, बट अभी पिस्टल की एमो भी, इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। हैंडगन एमो बनेगी नहीं क्योंकि बस गन पाउडर नहीं है अभी। इससे कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। चलो काफ़ी है, 20 एमओ बहुत है। और तो मिली होनी चाहिए वैसे, मुझे मिली नहीं है। मैंने सारी की सारी यूज़ कर ली है, कम से कम 50 से 55 जो एमओ है वो मैंने यूज़ कर ली होंगी आराम से। और यहाँ से अभी निकलने की बारी। पीछे की तरफ को छोड़ के तो मैं आया नहीं, और मुझे यहाँ पर जाना है। चलो यहाँ पर भी चीज़ें मिल सकती हैं, मिल गई। There have been sighting of what appears to be the strange corps wandering around, likely the result of some immortal experiment. Won't someone put it out of its misery and its pathetic existence? Defeat the strong threat. Incubation lab में है, और मेरे हिसाब से इसको इससे ना मैं लिफ्ट को नीचे लेके आ सकता हूँ। बट लिफ्ट को नीचे आने से पहले ना मैं यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि अगर मैंने एक बार लिफ्ट को नीचे कर दिया तो हो सकता है ऊपर की तरफ से जो मॉन्स्टर हैं ये यहाँ पर आ जाएँ, मतलब कि जो एनिमीज़ हैं वो। इसलिए एकदम सारी चीज़ मुझे मिल क्या रहा है, मुझे कुछ रेड कलर का मिल रहा है लेकिन वो क्या मिल रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ से मुझे मिल रहा है क्या चीज़, लेकिन वो समझ नहीं आ रही मुझे। अभी इतनी सारी चीज़ें मिली मुझे, और मेरी जो एमओ है वो 18 की 18 ही हैं। अगर आपको ज़रा मुझे पता हो तो ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। खैर मैं लेफ्ट को नीचे की तरफ कर लेता हूँ, और अभी अगर मुझे एमओ मिलेगी ना तो ज़रा मैं नोटिस करूँगा अच्छे से हो क्या रहा है ये। ठीक है, तो जो लिफ्ट है वो तो यहाँ पे नीचे आ रही है धीमे धीमे। चलो आने दो आने दो, शायद से मैग्नम एमो मिली होगी या फिर हो सकता है शॉटगन एमो भी मिली हो सकती है। चलो एशली भी आ गई अभी इससे ऊपर, नीचे कुछ रह तो गया नहीं है। We work well together, don't we? I guess so. Right? Maybe someday I'll become an agent like you. All right. तो ये जो प्रेसिडेंट की बेटी है, ये जो एजेंट बनना चाहती है लियोन की तरह। Is that right? Well, either way, first we have to make it out of here. But इसके एजेंट बनने से पहले सबसे पहले तो यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये तो अगर यहीं पे फंसी रही ना, ये जो मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने इसको मार दिया ना, तो ये बन गई एजेंट। खैर यहाँ कुछ है नहीं है तो यहीं चल लेता हूँ मैं। यहाँ पर शायद से कुछ मिल जाए। हाँ मैग्नम है वो मिल रही हैं, वही मैं सोचूँ कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। यहाँ बटन बटन कुछ काम के नहीं है यहाँ पे, यहाँ से कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। और अंदर अंदर कैसे जाऊँगा मैं, एक सेकेंड, ये वाला दरवाज़ा कहीं ना कहीं से खुलता होगा। यहाँ से खुलता है क्या? ये लिफ्ट तो नीचे की तरफ चली जाएगी अभी। यहीं से कुछ सिस्टम होगा इस दरवाजे को खोलने का, बट बटन वगैरह। एक सेकेंड, यहाँ से इतनी बड़ी खिड़की है बट कितनी बड़ी खिड़की नज़र नहीं आ रही मुझे। कभी कभी हो जाता है ऐसा स्कैम। अरे यार बंद वेयर हाउस, एम्बर स्टोर रूम, स्टोर रूम ही है ये। जाना मुझे यहाँ पे है, ठीक है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से कुछ लेके जाना है, क्योंकि जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है ना बहुत ज़्यादा दूर है। ट्रांसपोर्टिंग द एम्बर, आई मस्ट स्ट्रेस द यूज ऑफ एक्सट्रीम कॉशन व्हेन हैंडलिंग द एम्बर डिपॉजिट फ्रॉम अंडरनीथ द कैसल। वर्क विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस, इट इज इम्पेरेटिव दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द होली बॉडी स्लम्बर। कुछ नोटिस वगैरह था, सामान वगैरह लेके जाते थे यहाँ से। एक सेकेंड, ये तो शायद उसकी लैब है लुईस की, लेकिन है क्या चीज़ पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन लुईस की लैब थी ना, ये तो लैब तो लगी नहीं रही है, तो स्टोर रूम लग रहा है। ऑल राइट, एम्बर, ये एम्बर ही है, ये पहाड़ों पर लगता है ज़रूर। और यहाँ पर मुझे मिल चुकी है येलो, नहीं येलो हर्ब। हाँ इसका क्या करूँ, मेरे पास जगह ही नहीं बची अभी उतनी। सबसे पहले तो जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए क्या करूँ, गन पाउडर है ना मेरे पास चार ही है, गन पाउडर चार है, गन पाउडर से तो कुछ बनेगा नहीं यहाँ पे।
इससे भी कुछ नहीं बनने वाला, इससे भी कुछ नहीं बनेगा. क्या किया जाए फिर? ये भी दो की जगह लेता है. इसी को मैं डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ. मैं सोच रहा था इसको ना मैं बेच दूंगा, बट वो भी नहीं बेच सकता अभी तो. मैं किसको रखूँ? कोई जगह है ही नहीं शिफ्ट करने के लिए एक्चुअली. मैं कहीं से भी कुछ भी शिफ्ट हो नहीं सकता है. मुझे इसको निकालना ही पड़ेगा, डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा. बढ़िया. इसको मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ शायद इसके साथ, और मेरी जो हेल्थ है और बढ़ गई. अभी उस शाकू को मैं फिर से उठा नहीं सकता ना, मतलब इसमें यही कमी है. कोई चीज़ को फेंक के ना फिर से उठाने के लिए भी ऑप्शन आना चाहिए. पैसे, चिल्लड़. और यहाँ पे भी कुछ है. डियर लॉर्ड सैडलर, आई एम ओवरजॉयड टू रिपोर्ट वंडरफुल न्यूज़. प्रोडक्शन ऑफ द सुपीरियर स्पीसीज ऑफ लेस पिगर्स प्लेगर्स इज ऑफिशियली अंडर वे. इफ ऑल गोस अकॉर्डिंगली रेस्ट अश्योर दैट वी विल रीच आवर अल्टीमेट गोल. मतलब ये ना लॉर्ड सैडलर के लिए काम करता था, जो भी यहाँ पे काम करता था, सुपीरियर था. द प्लेगर्स ट्रूली मैग्निफिशेंट ऑर्गेनिज्म, इट हैज द कैपेसिटी टू लिव एनी वेरिएबल. It be it a human dog or even crow, there is no other parasite like it or not. The superior species is particularly impressive as it can assimilate with the host use without causing any damage to the brain. No one can oppose the strength of your dominance, my lord. On the contrary, who would suggest when they experience the torture that accompanies the absence of free will? I am living proof how ignorant I once I was. In a few days, I will have finished administrating the plague to all the high-ranking researchers, and then they too shall know. And when your plan is complete, the whole world shall know. Annabelle Gracia Escurio, head researcher. मतलब उसका नाम लिखा है Annabelle. Annabelle नाम शायद से मैंने कहीं सुना है. Annabelle शायद ये वही तो नहीं है जो, मतलब जहाँ पर ये अपनी Ashley बंद थी ना, उस काल कोठरी टाइप में, वहीं पे शायद से इसका Annabelle का नाम मैंने सुना हुआ था. वो शायद से किसी की बहन थी Annabelle. मेरे हिसाब से ये मेन दरवाज़ा है, ये खुलेगा नहीं खुलेगा. मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, बट मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा. ये क्या चीज़ है? अम्बर है, एम्बर. इसको एक सेकंड, इसके अंदर मकड़ियाँ हैं बहुत छोटी छोटी. अब कौन आ गया? टिंकू को तो मैंने मार दिया. यही है लॉर्ड सैडलर. लॉर्ड सैडलर, यही है लॉर्ड सैडलर. लेस प्लैगस. अभी क्या करेगा ये? Welcome. All right. My children. इसका सर कितना वियर्ड है. I am Osman Sadler. The speaker. Osman Sadler. Tell someone who gives a shit. इसको फर्क नहीं पड़ता लियोन को. Foolish. और इसने इसकी आंख फोड़ दी क्या? Why do you deny? सच में आंख फोड़ दी? एक सेकेंड, इसके अंदर पैरासाइट है इसी का, और इसकी आंख वापस आ गई. मतलब कुछ नहीं कर सकता लियोन. Obey. Obey the voice of our Lord. एक सेकेंड, ये कंट्रोल कर रहा है इन दोनों को. ये क्या कर रहा है? एक सेकेंड, ये Ashley को बोल रहा है कि लियोन को गोली मार दो. बट Ashley ऐसा करना नहीं चाहती, बट वो कंट्रोल कर रहा है तो क्या कर सकती है Ashley भी. नहीं नहीं नहीं. All right, सही किया, बढ़िया. Sweet child, do not resist. मतलब ये रजिस्ट कर रही है कि उसको गोली ना मारे. बढ़िया बढ़िया. नहीं 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 नहीं, छोड़ दे. गोली खत्म. बढ़िया, ये सही था. अभी कुछ नहीं कर सकता. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, child, you need not be afraid. All right, ये इसको अपनी तरफ बुला रहा है. Your body and release yourself from fear. मेरे हिसाब से लास्ट फाइट होने वाली है. नहीं नहीं, ये Ashley को ये लेके जा चुका है, जा रहा है Ashley को लेके. और एक कपड़े के अंदर पता नहीं कौन है. मैं सोच रहा था ये जो गेट है ये ओपन होगा, और वही हुआ. एक्चुअली मुझे नहीं पता था गेट ओपन होगा, लेकिन वो हुआ गेट ओपन. ऑल राइट, अभी Ashley को फिर से बचाना पड़ेगा. और अब जो है गन रिलोड हो गई. वैसे मेरे हिसाब से इसमें 16 गोलियां थी, पर दो ही गोलियां चली.
अब कट सीन में जो है कुछ भी हो सकता है। Sadler, you bastard. इसको मैं फोड़ दूं क्या? इसको फोड़ के कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, इसको गोलियां बर्बाद करना है बस। और यहाँ पे दो तो ये गिरी चुके हैं, इनका मुखौटा मैं खोल नहीं सकता, ये इतना तो पता है, ये इसके वश में है सब के सब। चलो चलो चलो, अब किधर जाऊँ? उसी वाले गेट से जाऊँगा क्या मैं? मैप अपडेट हुआ है सर, मैप चेक कर लेता हूँ, मुझे जाना किधर है अभी। सबसे पहले तो ये चेक कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर जाना है। अब ये गेट है, ये ओपन तो होगा, इतना तो गारंटी है। यहाँ पर मैं एक ना ग्रीन हब छोड़ आया, खैर वो तो मुझे पता है मैं क्यों छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मैं वापस जाना नहीं चाहता था कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने छोड़ दिया था ग्रीन हब। निकल लो यहाँ से, पहले नहीं खुल रहा था ये गेट, अब खुलेगा। किधर क्या हुआ? एक सेकेंड, यहाँ पर तो और भी लोग हैं। अरे यार इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अभी सही है। निकल, टोपी पहनाओ चाहे कोई भी पहनाओ, लेवल वन की पहनाओ चाहे लेवल टू की पहनाओ। लियोन ने मारा तो बचेगा नहीं बार, बता दिया उसने सबको। आजा, निकल। एक सेकंड, नीचे काफ़ी सारे लोग हैं। एक सेकंड, कहाँ से आ रहा है? ये आ गए, निकल। ऑल राइट, ओह हेलो, ये भी गया। यहाँ पे भी ढेर सारी चीज़ें हैं। एक सेकंड, यहाँ पर क्या है? ये बढ़िया है, पर योर रिक्वेस्ट रीडेवलपमेंट ऑफ द आइलैंड इज वेल अंडरवे, वेपन्स एंड अदर डिफेंसिव इक्विपमेंट हैव बीन सेट अप टू द गार्ड अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंट्रूडर्स, बाय द टाइम वी आर फिनिश्ड द आइलैंड विल बी जायंट फोर्ट्रेस, द डिफेंसेस वोंट होल्ड अप लॉन्ग टर्म बट दे शुड लास्ट अंटिल वी कैरी आउट आवर प्लान एंड वंस अकम्प्लिश वी विल बी दैट मच क्लोजर टू अल्टीमेट गोल ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन, नन विल बी एबल टू रेसिस्ट आ पाओ। जैक क्रोसर, ऑल राइट, ये जैक क्रोसर का नोट था, मतलब वही जो कि अभी मर चुका है। नहीं मर गया क्या? नहीं अभी कहाँ मरा वो, मैंने तो मारा ही नहीं अभी तक उसको। मिला एक सेकेंड, अंदर किससे पूछ के आया तू? हैं, निकल बाहर। नॉक नॉक भी नहीं करते ये लोग तो। थोड़ा सा गन पाउडर मिला, इसके अंदर कुछ मिलेगा, थोड़ी सी राइफल की एमो। भाई बिना पूछे मत आना तुम लोग, नहीं तो पिटोगे। आ जा, निकल, तेरे पैर में मारूंगा। निकल निकल, घुटने टेक, घुटने घुटने टेक, अब आ जा, तेरी ऐसी कम तैसी, ये ले। मजा आया? और भी है क्या? एक सेकंड, में नीचे नहीं कूदूंगा डायरेक्ट। यहाँ कुछ ब्लड से सामने की तरफ लिखा हुआ है, अलाइव अलाइव करके लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ और देखने के लिए तो है नहीं है, मैप में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ और नहीं है, यहाँ इनको उठा लेता हूँ बस। और सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं ये भी ख़त्म हो गए। यहाँ तो सीढ़ी भी है, मतलब मैं नीचे की तरफ भी जा सकता हूँ, बट यहाँ से भी एक रास्ता था, ये वाला रास्ता, ये किधर जाता है? ऑल राइट, ये तो नीचे की तरफ आ गया ना, मतलब मैं चाहे सीढ़ी से नीचे आ जाऊँ चाहे यहाँ से आ जाऊँ, बात बराबर ही है। इनके अंदर भी कुछ सामान वगैरह रखा होगा, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड बार। वैसे लास्ट वाले एपिसोड में ना आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताया कि यहाँ पर अगर अपन ये जो जेम्स वगैरह जो मुझे मिलती है ना, अगर मैं उनको ना कंबाइन कर दूँ एक ट्रेजर में, तो वो जो है मैं ज़्यादा कीमत में बेच सकता हूँ अपने ट्रेडर को। तो इस बार ना मैं यही करने वाला हूँ, मैं ना ट्राई करके देखने वाला हूँ। ऑल राइट, ये तो ऊपर वाली वही जगह है, बट यहाँ पे कॉइन रह गया था जो कि ये रहा, जो कि मैंने ले लिया है। यहीं से फटाफट से नीचे चलता हूँ, और तो यहाँ कुछ है नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके अंदर भी खाली है, इसको भी मैंने तोड़ दिया, इसके पीछे भी हो आया। यहाँ पे ये बढ़िया है कि इन बॉक्स के अंदर ना चीज़ें मिल जाती हैं। रेसिडेंट एवल 2 में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती थी जितनी इसमें मिल रही हैं। मेरे हिसाब से मैं जो है जैक के ना एक जगह ठिकाने पर हूँ, अड्डे पर हूँ मैं जैक के, ऑपरेशन जेवियर। फ्यू पीपल हैव हर्ड द नेम इवन विद इन द हाईएस्ट रैंक्स ऑफ द यूएस गवर्नमेंट एंड लिटिल वॉन्डर टू द ऑपरेशन वाज नॉट मेड पब्लिक, इट वाज कंडक्टेड इन सीक्रेट एंड देन बरीड, द रीजन बीइंग इट वाज टू इनह्यूमेन। इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 2002 व्हेन अ स्मॉल यूनिट ऑफ यूएस स्पेशल फोर्सेस वाज सेंट टू इन्फिल्ट्रेट अ एरिया इन साउथ अफ्रीका अमेरिका, देयर मिशन वाज टू eradicate the drug cartels. The whole operation took several years to prepare for and only the most elite soldiers were selected to participate. I don't know if the mission was failure or not, but I know the fate of those elite soldiers once it was over. Apparently the entire unit was wiped out except
फॉर द कमांडिंग ऑफिसर मेजर, ये वही मेजर है, सर नाम जो है छुपा दिया है, मेजर वही है. एंड नॉट बाई द कार्टेल्स बट बाई द यू एस. इट शुड नॉट हैव बीन डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द सिंगल स्टैंडर्ड यूनिट, ऑल ऑफ इट वुड हैव टेकन द सिंगल हेलीकॉप्टर, बट फॉर सम रीजन द मिलिट्री यूनिट एक्ट. Rumors say that the decision was outcome of a power struggle among the top brass. Others say it was a directive from the former president himself, but we may never know the truth since it was all covered up. But I am certain of one thing, the US government let those people die, brave young people who dedicate their lives to protect the country. I want to expose this crime, but not because it is my responsibility as a reporter, but because it's my duty as a fellow American. Ek second, ye reporter hai. Matlab Jack ka note nahi hai ye. This document concerns Operation Javier and was written by the American journalist named. Name bhi chhapa hua hai. This article will never be punished, published, has already been taken care of. Jack has already been taken care of. Matlab ki Jack ne shayad se reporter se mana kar diya hoga ya usko maar diya hoga, aisa kuch kiya hoga ya dhamkaya hoga. Ek second, ye iski photo kya kar rahi hai idhar? Ye Jack iska wait kar raha tha kya, Leon ka? लगता तो मुझे ऐसा ही है, वेट कर रहा था लियोन का, क्योंकि लियोन की फोटो है. अब मेरे हिसाब से ये लियोन की फोटो शायद से रेसिडेंट एविल 2 से मिलती जुलती है, क्योंकि अभी जो लियोन है काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, उसकी जो जॉ लाइन है ना काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुकी है पहले से, और आंखें भी चेंज हो गई हैं पहले से. रिकॉर्डिंग. You've done well to make it this far, rookie. I've prepared a battlefield up ahead just for us soldiers. Watered by the blood of generations. Hundreds of years. It's the perfect place to put an end to what happened 2 years ago. All right. तो मेरे हिसाब से वो जो है मेरा आगे की तरफ कहीं वेट कर रहा है मुझसे फाइट करने के लिए, इसलिए जरा मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ उससे फाइट करने के लिए. डिपार्ट फ्रॉम कैंपस ऑफ द टारगेट एस्कॉर्ट, द टारगेट एस यूजुअल अंटिल द स्टार्ट ऑफ फेज 2 देयर शुड बी 3 अदर साइड ऑफ व्हीकल इंक्लूडिंग बिकर ए यूनिट विल फॉलो बिहाइंड इन अ सेपरेट व्हीकल कंटिन्यू टू ड्राइव एज नॉर्मल रूट. Of the vehicle and the president of engine trouble, transfer the target to Abel's vehicle. Abel's vehicle will change course, subdue and restrain the pack. Use the target in the launch and do not because you need to create an engine for the engine station. It always and disable the network. किसी टाइप के नोट्स वगैरह थे यहाँ पे, और यहाँ पर भी कुछ है क्या? गन पाउडर यहाँ से कुछ लेके गया हुआ है, मतलब कुछ कुछ ना कुछ यहाँ से लेके आगे की तरफ गया हुआ है, और उसी के ब्लड से शायद से ऊपर की तरफ अलाइव वगैरह लिखवाया होगा, ऐसा कुछ होगा. यहाँ मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, ज़रा मैं सामान वगैरह इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि आगे की तरफ ना मेरी फ़ाइट होने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि मैं जो है उस जैक से पिट जाऊँ, इसलिए सबसे पहले तो गन वगैरह रिलोड मार लेता हूँ सारी की सारी. और अभी ये वाली गन काम आने वाली है, बट मेरे हिसाब से वो जो है नाइफ के साथ ज़्यादा खेलता है, और मेरे हिसाब से वो जो है मुझसे डायरेक्टली फ़ाइट नहीं करेगा. ठीक है. ऑल राइट. दो दो मेडिसिन, रेड हर्ब, रेड हर्ब दो दो हैं यहाँ पे. तो गन पाउडर मिल गया ना, तो चलो क्राफ्ट कर लेता हूँ थोड़ी सी. शॉर्ट गन एमो नहीं, शॉर्ट गन एमो तो है मेरे पास, हैंड गन एमो लेता हूँ. लो, हैंड गन एमो लिया. चलो अभी भी कुछ बचा हुआ है मेरे पास, शॉर्ट गन सेल्स बना लेने चाहिए. बढ़िया, अभी जगह थोड़ी सी खाली हो गई है, या ऐसा कह लो कि नहीं हुई है. क्या खाक जगह खाली हुई है, कुछ भी तो नहीं हुआ है खाली. सेकंड, यहाँ पर भी तो गन पाउडर पड़ा हुआ है मेरे पास, बट किसी काम का नहीं है. और किसी को तो मैं यहाँ यूज़ कर नहीं सकता, क्राफ्ट हो ही गया है, इसको मैं इक्विप करूँगा नहीं. एक काम करता हूँ, इसको लौटते में ले लूँगा, इससे फाइट करूँगा ना, उसके बाद यहाँ पे वापस आऊँगा तब जो ऐसे ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना सामान नहीं बचा हुआ है. मेरा जो ट्रेडर है वो भी नहीं मिला हुआ है मुझे, वो मिल जाता तो चलो उससे थोड़ा बहुत काम वगैरह बन जाता. शॉटगन के सेल्स मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं. चलो अभी सही है. ऑल राइट, तो यहाँ पर ये शायद से पूरी तैयारी वगैरह करके आया हुआ है. और ऑल राइट, तो मेरा यहाँ पर जो ट्रेडर है ये मुझे मिल गया है. सबसे पहले तो मैं वही सोच रहा था, बहुत देर से मिला नहीं है ना, तो अभी जो है सारी की सारी जो चीज़ें इसको बेच देता हूँ सबसे पहले तो. फिर मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं ट्रेजर में सारी चीज़ें चिपकाऊँ उसके बाद लगाऊँ. यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास गन वगैरह तो मुझे चाहिए नहीं है. ट्यून अप कर लेता हूँ, रिपेयर सबसे पहले तो, अपना आर्मर भी रिपेयर कर लेता हूँ. पैसे वैसे मेरे पास 58,000 है ना, सेल करने के बाद भी मुझे कुछ मिला नहीं है.
Rubies or rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. क्या बेचूं इसको? कुछ है ही नहीं बेच करने के लिए. ट्रेड करने के लिए कुछ है? चार ही है मेरे पास, उससे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं. ब्रीफकेस को भी अपग्रेड कर नहीं कर सकता हूं. That cash in your pocket or your life. Easy choice, mate. Wilden, what can I do you for? क्या करूं ट्यून अब? इसको तो नहीं करूंगा. ये तो पूरी तरीके से जो है पिस्टल अपग्रेडेड है. इसकी पावर 58,000 में इंक्रीज करने का कोई मतलब नहीं बनता. एक काम करता हूँ, इसकी एमो कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर लेता हूँ. 40 हो जाएगी इसकी एमो कैपेसिटी. हाँ यही सही है, इसकी एमो कैपेसिटी बढ़ा लेता हूँ. हटाओ, अब इसकी पावर इंक्रीज हो जाए. बस खत्म. सेल करने के लिए एक सेकंड, मेरे पास कुछ फालतू का सामान है, उसको ना मैं सेल कर दे रहा हूँ. जैसे कि मेरे पास कुछ फालतू का सामान है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ स्प्रे वगैरह पड़े हुए हैं, इनको सेल कर दूँ. बट मेरी फाइट होने वाली है तो इनको सेल करने कोई मतलब नहीं है. लगभग सारी चीज़ें जो हैं मेरे पास काम की हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि काम का नहीं है. एक काम करता हूँ, ये वाला स्कोप कौन सा है? बायोस्कोप सेंसर. इसको शायद से मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास हो सकता है आगे चल के काम पड़े तो दिक्कत है. मैं क्या बेचूं उसको? कुछ नहीं बेच रहा. काम करता हूँ, एक आधा फर्स्ट एड स्प्रे बेच देता हूँ. बहुत सस्ते में लेता है लेकिन क्या कर सकते हैं, बेच ही देता हूँ. बस अब नहीं चाहिए, भाड़ में जा. अभी यहाँ से जो है मुझे आगे की तरफ जाना है. इसको फटाफट से लोड मार लेता हूँ. बस कितनी हो गई? 60 एमओ. बहुत हो गई यार 60. मैंने सोचा नहीं था 60 एमओ हो जाएंगी. चलो बढ़िया. पीछे की तरफ तो कुछ है नहीं है, आगे की तरफ ही जाना है मुझे. और जाना यहाँ पे है मेरे हिसाब से, यहीं पर जो है मेरी फाइट होने वाली है रूइंस में. और इसके साथ फाइट करने के लिए ये लो मैं चला. उतर. रूइंस में आ चुका हूँ मैं, और यहीं पर फाइट करने का इलाका है ये, ऐसा मुझे लग रहा है. क्योंकि इससे बढ़िया जगह इसके लिए कोई हो नहीं सकती. एशली को तो बचाना ही बचाना है. You always had poor judgment. मतलब ये पूरा का पूरा ब्लड से नहा कर आ गया. I'm gonna let you out of here alive. You're even more naive. ऊपर की तरफ पता नहीं क्या दिखा रहा था. मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ कोई है. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? ये शायद ना गवर्नमेंट से नाराज है, इसी चक्कर में बदला लेना चाहता है गवर्नमेंट से. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminatos have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. मेरे हिसाब से इसका माइंड तो वो जो है साइड का कंट्रोल नहीं कर रहा होगा. Move out and draw fire, soldier. चलो 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 चलो. इसके पास अच्छी गन है, SMG है. मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास एक जूजी टाइप की गन है. इसकी ऐसे कम तैसे. रुक जा तू. ए क्या कर रहा है? एक सेकेंड, मुझे लगा फोड़ देगा ये. फोड़ नहीं पाएगा ना. एक सेकंड फोड़ दिया इसने. मुझे ना इसके ऊपर लाइक बॉम्ब ब्लास्ट करने पड़ेंगे. इक्विप. अरे बैठ जा. गया गया तो बढ़िया. एक सेकंड. अबे इतना फास्ट. एक ये क्या मारा है इसने. ऑल राइट. अबे यार बहुत फास्ट है ये. क्या किया इसने? कहाँ भाग गया? ओ हेलो, गायब हो गया. साउंड भी बंद हो गया. ये क्या नौटंकी है? किधर से आएगा? आने वाला है. भाई 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 कैसा है ये?
छुपन छुपाई वाला गेम खेल रहा है ये। मैं किधर जाऊं, मुझे सच में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज है। अब किधर जाना है मुझे, एक काम करता हूँ, वो ऊपर की तरफ गया है तो ऊपर की तरफ जाता हूँ, क्योंकि उसको तो मारना ही है ना मुझे। कहीं बैठा हुआ है, किधर पता नहीं, किधर घूम रहा है ये अकेला अकेला। इसको घुमा दूं, इससे होगा क्या? ऑल राइट, उससे ऊपर की तरफ जाएगा और वहां से जो रास्ता है वो ओपन हो जाएगा। मतलब मैंने मार दिया क्या उसको? इतनी आसानी से कैसे मरेगा यार वो? लियोन से दुगना था, दुगना तिगना था बॉडी शेप में। एक सेकेंड, या ऊपर की तरफ नहीं है कोई, ठीक है मुझे हाँ नहीं मरा है, किधर ही? अरे ये रास्ता बंद क्यों हो गया? किधर है ये? तू है किधर वे? पता नहीं किधर है ये। खैर मैं आगे की तरफ चलता हूँ, जो इसलिए वो यहाँ पे मेरा इंतजार कर रही होगी। बाढ़ में जाए, मिल जाएगा तो ठोक दूंगा, आगे आएगा तो। एक सेकंड, ये क्या है? जाल बिछाया हुआ है मेरे लिए उसने, बट मेरा नाम भी लियोन है। Turn this place into one big trap. I can't fight him on his terms. All right. इसका नाम भी मिलता जुलता है ना मुझसे, लियोन एजियन। एक सेकंड, तू आ गया फिर से, आ गया फिर से, आ गया, फिर गायब हो गया। चलो दो तीन गोली तो खाई गया, आ गया तो अच्छी बात है। ये कहीं से भी उल पड़ेगा मुझे पता है, कहीं से भी धप्पा देगा मुझे अभी, इसलिए जरा मुझे संभाल संभाल के चलना पड़ेगा। आ गया फिर, इसके एक सेकंड, एक सेकंड, उसकी तो किधर से आ गया दिखाई नहीं दिया। ये इसने जगह बनाई हुई है, मतलब अच्छा इसी ना ना ये जगह चुनी हुई है इसी चक्कर में। एक सेकंड, अरे यार ये मैंने दिखाई नहीं, इतने अंधेरे में दिखाई नहीं दिया मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये कैसे टूटेगा? गया, ठीक है। ऑल राइट, वहाँ पे एक मशीन गन लगी हुई है, अभी क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। गया, एक सेकेंड, शिट 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 शिट, इस जगह बनाई ऐसी है ये। यहाँ से ये फूटेगा नहीं, मुझे उस साइड से जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी पजल वाली जगह है। एक सेकेंड, भाई क्या क्या रख रखा है इसने, अबे यहाँ से भी है, कैसे फूटेगा? नहीं फूट रहा, चलो ये वाला तो टूट सकता है ना। गया, 46 एमओ है, अच्छा है मैंने जो एमओ है वो पिस्टल की बना ली थी। अभी इसकी बारी, तो मुझे ऐसी कर कर, किधर है? How can I forget? Shit. क्या इसने कुछ बोला था? मैं ध्यान नहीं दे पाया, क्या आप कुछ बोल रहा था ये? मैं ध्यान नहीं दे पाया, शिट। एक सेकेंड, आवाज आई मुझे टीटी की, टीटी की, किधर है टीटी? ऑल राइट, निकल, काफ़ी ख़तरनाक मेज़ बनाई हुई है। ऑल राइट, हाँ बच गया मैं। Still alive, huh? You got lucky. दिख तो जा तू मुझे, मतलब इतना संभाल संभाल के चलना पड़ रहा है पूरे गेम में, मैं इतना संभाल संभाल के नहीं चला, फुक फुक के पैर रखने पड़ रहे हैं मुझे अपने। अब यहाँ से फिर आ जाएगा कहीं से मुँह उठा के, ये चवन्नी मवन्नी मत दो यार मुझे। अच्छा हुआ मैंने गलत गन अपने हाथ में ली हुई थी, अभी चल जाती है गलत गन, फालतू में एमओ वेस्ट जाता मेरा।
अब किधर जाऊं ऊपर? एक सेकंड, ये क्या है? I admit, you've done well to stay alive this long. I'd be dead if I kept listening to people like you. All right, उस साइड आइए. स्नाइपर वगैरह निकाल लूं क्या? The Reaper comes for cowards and the careless alike. किधर है? Which are you? बोरा. I don't know. Guess I'll ask when I see. एक सेकंड. Well, you've really gone all out for me. You shouldn't have. एक सेकंड, मुंह पे पड़ी. रुक जा, इसका खेल खत्म ही करता हूं मैं. निकल निकल. वाह, उठ तू, उठ उठ तू, बताऊं तुझे. उठ. लियोन के साथ चक पक्का ले रहा है ये. लियोन के साथ मुंह की खाएगा अभी. मैं बोल नहीं रहा यार, बहुत देर हो गई. ये अपना अपना लगा रखा है. पड़ गई ना अभी दो गोलियां. शांत हो गया ना? बैठ गया ना? शांत हो गया. कोई छोड़ तो नहीं आया ना पीछे में? ठीक है, अभी भी उठ सकता है कहीं से भी. मुझे जरा ध्यान देना पड़ेगा. एक सेकंड. शिट शिट शिट. उठ तू, तेरी तो उठ नहीं उठेगा. बड़ा शातिर है. अबे हैंड गन एमो रखने की जगह नहीं मेरे पास अब. ऑल राइट, रास्ते ओपन हो चुके हैं मेरे लिए. कम से कम यहाँ तक तो मैं जो है सेफली आ चुका हूँ. अभी इसके आगे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. एक सेकेंड, ये क्या है? चलो आ गया. आजा आजा, निकल निकल. गायब हो गया. एक सेकेंड, तेरी तो. रुक जा तू, निकल निकल. ये ले ये ले ये ले. मर गया ना, भाग गया एक बार में, क्योंकि उस एमो उस गन की ना पावर बहुत है. I told you again and again. ये क्या कर रहा है? कपड़े उतार लिए क्या? आ मजा आएगा अब. बॉडी दिखा रहा है. एक सेकेंड, ये बड़ा हो गया. ये तो हल्क बन रहा है. नहीं, हल्क से भी बदतर है ये तो. मुझे लगा कपड़े उतार के सलमान खान वाली फाइट करेगा. नहीं. All right. That's the difference between you and me. बहुत पावरफुल हो गया है. रुकी रुकी रुकी, आजा बताता हूँ तुझे. अरे शिट, अभी फिर ऊपर जाओ यार. Time to finish. अभी अंधेरे में कहाँ दिखेगा ये मुझे? ओह हेलो, गन रोलर मारता हूँ मैं. चार गोलियां बचे मेरे पास इसकी मात्र. ऊपर है ये. You've lost it completely, Krauser. किधर से जाऊं? मैप में रास्ता यहीं से है वैसे. एक सेकंड, एक सेकंड. तेरी तो, तेरी तो, तेरी तो. भाई मैं शॉर्टकट निकालता हूँ, हटाओ. की तो बताता हूँ. आजा, अब आएगा तो सही बता रहा हूँ मैं, फोड़ दूंगा इसमें. चलो आ गया क्या? आगे इसने रास्ता बंद कर दिया. Congratulations on your newfound faith. चलो, अरे ये मिल चुकी है. इसको क्राफ्ट करता हूँ मैं इसके साथ, और बढ़ाई जाए थोड़ी सी हेल्थ. आजा. सही जगह पे मिली मुझे येलो हर्ब. यहाँ से आ सकता है कहीं से भी वो. भाई डरावना लग रहा है मुझे. ये मेन विलन तो नहीं है लेकिन मेन विलन जैसा लग रहा है मुझे.
बहुत पावरफुल है। 5 गोलियां खा गया यार उस मोटी वाली गन की, पिस्टल की, 15 पावर के साथ। एक सेकेंड, तेरी तो तू ऐसे अगर मुझे मारेगा तो मार नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हेल्थ स्प्रे हैं। अब तो बहुत सारी हरी लीफ भी है, ऐसे नहीं मार पाएगा ये मुझे। कुछ यहाँ पे बना लेना चाहिए, क्राफ्ट कर लेना चाहिए। अभी फिर से मुझे नीचे गिराएगा तो मैं इसको नीचे गिरा दूंगा। अब खैर मैं इतना ऊपर तो आ चुका हूँ। अरे बहुत ऊपर है ये तो। चलो ये क्या हो रहा है, ये बंद हो गया, मतलब अंदर नहीं जा सकता मैं इसके, इसको बिना मारे। आजा। बहुत खतरनाक हो गया। इसी ने सिखाया था, मतलब इसी ने ट्रेनिंग दी हुई थी इसको काफी पहले। एक सेकेंड, अबे इतनी स्लो क्यों चल रही है शॉटगन तेरी तो। ये ले ले, निकल। निकल। ऑल राइट, चलो आ जा, निकल 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 निकल। पूरा लाल कर दिया मैंने इसको, मारने का नाम ले रहा है लेकिन। ये ले ये पकड़, सारी शॉटगन इसी में भरने वाला हूँ आज मैं। ये ले, मर गया फाइनली, मार दिया मैंने इसको जैक क्राउजर को। कम से कम बहुत गोलियां मारी मैंने इसको तब जाके मरा ये। ये अभी भी कुछ करने के चक्कर में है, हार मान गया ना। लियोन से टिकेगा और एजियन क्या होता, अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं, जाने देता हूँ। ये चाकू से मिला हुआ है मेरे हिसाब से, इसी का चाकू है। मार देगा क्या, मुझे नहीं लगता लियोन मारेगा इसको, छोड़ देगा इसको, बख्श देगा, पता नहीं मुझे। हाँ नहीं बख्शा, गया। खैर अभी जो जैक है ये मर चुका है, बस अभी जो है लास्ट बंदा बचा हुआ है, मेन विलन ऑस्मंड। ऑल राइट, फाइटिंग नाइफ बहुत बड़ा है यार ये तो, 4 की जगह घेरेगा ये। कैसे रखूँ इसको, ये बीच ही मतलब काफ़ी महंगा बेचेगा ये। एक काम करता हूँ, मैं हेल्थ मार लेता हूँ ना और जगह बना लेता हूँ इसके लिए। अभी सही है, अभी आ जाएगा। आ गया, दरवाज़ा भी खुल गया, शॉटगन मैमो भी लोड। अभी उस ऑस्मंड को कैसे मारूंगा, मेरे पास इस वाली गन की कम मैमो बची है। खैर उसके पास मेरे पास उसकी जो है 127 एमो बची हुई है, उससे निपट जाएगा वो। 127 से भी ज़्यादा है वैसे, 200 के आसपास है। चलो शॉटगन की और एमो मिल गई। ऑल राइट, अभी शायद से जो एशली है वो मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद ना कोई और फोर्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, और भी कासल नहीं है इससे बड़ा जिसके अंदर वो जो है एशली को लेके जाएगा। ये फिर से जिंदा ना हो जाए बस, नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है।
ऑल राइट, ये जो है चैप्टर एंड हो चुका है और मुझे क्या लगता है यहाँ पे ना अभी ऑस्मंड से मिलने में थोड़ा सा टाइम है अभी, क्योंकि टाइम है अभी कि अभी अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए इस चैप्टर के एंड तक शायद से वो निपट जाएगा। मेक योर वे टू द समिट, मेरे साथ जो समिट है ये मेन एरिया है जहाँ पर कि मुझे जाना है। अभी मैं उसके पास में पहुँच, ऑल राइट, इतना दूर नहीं, बहुत दूर है ये तो। यहाँ से घूम कर वो जाऊँगा, मेरे हिसाब से एक आध चैप्टर और होगा अभी, उसी के बाद जो है मुझे ऑस्मंड से फाइट करने का मौका मिलेगा। यहाँ से ज़रा व्यू ले लेता हूँ सबसे पहले तो, कहाँ जाना है मुझे, यहाँ पे स्नाइपर काम आएगी, काफ़ी अच्छी खासी डिफेंस है इनकी। और मुझे इसके अंदर जाना है क्योंकि ये ना उसी के अंदर लेके जा रहे हैं एशली को, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, अगर बाइनोकुलर से दिख रहा है मुझे तो पहुँच जाऊँगा मैं। चलो ज़्यादा दूर लग भी नहीं रहा है, बट जाऊँ कहाँ से, यहीं से जाऊँगा ना, ठीक है। राइफल की एमो जो है मिल चुकी है, यहीं से मार दूँ क्या सबको, यहीं से पेलूँ, क्या करना चाहिए, इसके अंदर भी कोई है क्या, ये तो मुझे खाली खाली लग रहा है, तो इसके अंदर तो कोई होने वाला नहीं है, बट इसके अंदर ज़रूर कोई हो सकता है। यहाँ पे ज़रा मैं एक बार नॉकआउट करने की कोशिश करता हूँ, पड़ेगा नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, शॉट पड़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा दूर है निशाना, मुश्किल है, पास में जाके जो है मारना पड़ेगा। ऑल राइट, और मेरा जो ट्रेडर है ये मुझे मिल चुका है हमेशा की तरह, मेरा प्यारा ट्रेडर। मेरे हिसाब से अभी जो लास्ट फाइट होने वाली है तो जितना भी पैसा है ना सब डाल देना चाहिए, बट मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है इस बार, ट्रेड करने के लिए भी ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, ट्यूनअप करने के लिए पैसे नहीं है। एक काम करता हूँ इससे ना, मैं क्या करूँ, ये रिपेयर कराता हूँ सबसे पहले तो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइटिंग नाइफ, मतलब मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ अब, ये भी सही है, इसको बीच दूँ फिर क्या करूँ, इससे बीच के बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। एक सेकेंड, इसको बेच देता हूँ मैं अपने नाइफ को, क्योंकि वो ना मेरा मेन नाइफ बन चुका है, फाइटिंग नाइफ 10,000 में जा रहा है और ये 42,500 में जा रहा है, इसको बेच देता हूँ, हटाओ। I'll buy it at a high price. Anything else I can help you with? Iski power increase. Try that on. Or increase. Dazzled, are you? Bas. Our craftsmanship demands no less. Iska main kuch kar nahi sakta, iski power badha nahi sakta. Iski reloading speed badha sakta hu. See how that feels, mate. Bas, paisa khatam. Yourself should notice the comeback. Chalo. Anytime. और कुछ इसके पास, इसको कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, गन पाउडर है मेरे पास, थोड़ा सा चीज़ क्राफ्ट कर लेता हूँ, हैंड गन एमो, और है क्या, और नहीं है, ख़त्म। ऑल राइट, तो मेरे हिसाब से रेजिडेंट एविल 4 के इस वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जो एपिसोड है ये पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्योंकि हम जाने वाले हैं रेजिडेंट एविल 4 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में एशली को बचाने के लिए, यानी कि हम जाने वाले हैं समिट में, तो नेक्स्ट वाला एपिसोड यहाँ पे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले एपिसोड में ही जो है सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम फाइट करने वाले हैं लॉर्ड ऑस्मंड से। तो नेक्स्ट वाला एपिसोड को देखना जो है मत भूलिएगा, तो मैं आपको मिलता हूँ रेजिडेंट एविल 4 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसे किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमेशा की तरह खुश रहिएगा।